तो आइए आज और एक ऑथेंटिक रेसिपी देखते हैं यूपी स्टाइल में। इसे निमोना कहा जाता है और जो हमने उड़द दाल की और सफ़ेद पेठे की बरी बनाई थी उसे आज इसमें इस्तेमाल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका चौरसिया, होडोफाइल शेफ चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ मैंने आधा कप ये हरे चने ले लिए हैं, आजकल इनका मौसम होता है। निमोना आप हरे चने या हरे मटर से भी बना सकते हैं, तो हरे चने ना हो तो आप मटर से भी बना सकते हैं निमोना को। बिल्कुल हरा भरा निमोना बनाना है तो यहाँ मैंने ले लिया है कुछ 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 6 से 7 हरी मिर्च ली है, 2 कच्चे हरे टमाटर लिए हैं, 7 से 8 ये बरी ली है जो बनाई थी, और हरा प्याज है और हरा धनिया है। तो सारा हरा चीज़ इसमें इस्तेमाल करना है, एकदम रिच टेस्ट आता है, काफ़ी अच्छा कलर आता है सब्ज़ी में। और उसके साथ 2 आलू भी कट कर लिए हैं। अब हम मिक्सर के जार में मिर्चियाँ डालेंगे, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची कम कर सकते हैं। तीखा निमोना पसंद है इसलिए ज़्यादा मिर्ची डाला है। लहसुन की कलियाँ डाल देंगे और ये हरे चने मिक्सर के जार में डाल देंगे। याद रहे, अगर आपके पास हरे चने नहीं हैं तो आप मटर का भी, ताज़े हरे मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 हरा कच्चा टमाटर और 1 टमाटर बाद के लिए रखेंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। अब कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, और ये जो बरी हमने बनाई थी ये बरी को हमें फ्राई कर लेना है। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और 2 से 3 मिनट बाद इसे हम फ्राई करके निकाल लेंगे, तो बरी का टेस्ट निमोना में बहुत अच्छा आता है। आप इसके साथ ही निमोना बनाएं, चाहे मटर का हो चाहे चने का हो। अब हम इसी तेल में 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा को पकने देंगे। अब हम इसमें हरा प्याज डाल देंगे बारीक कटा हुआ, और इसे हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब आप प्याज डालोगे बहुत ही अच्छी सुगंध आएगी इसमें। और ये मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। कच्चापन निकल जाए तब तक इसे फ्राई कर लें। फ्लेवर्स को इंटैक्ट रखने के लिए इसे थोड़ी देर ढक कर पका लेंगे, और थोड़ी देर बाद हम इसमें डालेंगे ये आलू जो हमने कट कर लिया था। 2 बड़े आलू थे जिसे छील कर कट कर लिया है, इसे हम पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे, और थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, और इसे हम ढक कर पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में, जब तक ये आलू थोड़े से आधे पक ना जाए। 4 से 5 मिनट बाद जब आप देखोगे आलू थोड़े से सॉफ्ट हो चुके होंगे, थोड़ा सा एक बार और चला लेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे जो मसाला हमने पीस लिया था दरदरा हरा मसाला, उसे हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ हरे मसाले को। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर, हरा टमाटर जो हमने कट कर लिया था और साइड में रखा था, और इसमें डालेंगे फ्राई की हुई ये मेथोरी या बरी जो हमने बनाई थी, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को। उसी मिक्सर जार में हम पानी डाल देंगे कुछ आधा कप तक, और वो पानी हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे। तो हरा सा पानी लग रहा है क्योंकि वो मिक्सर जार में डाला हुआ था। मिक्स कर देंगे अच्छे से इसे। चावल और रोटी के साथ खाना है तो कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए और थोड़ा पानी इसमें डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करके देखिए कितना अच्छा सा हरा कलर आया है इसमें। अब इसे ढक दें और 5 से 10 मिनट के लिए पकने दें। 5 से 10 मिनट बाद जब आप देखोगे तो ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ये गरम मसाला, और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 5 से 10 मिनट इसीलिए पका लेना है क्योंकि आलू हमने पहले आधा कच्चा रखा था, आधा पक चुका था, तो इस तरह से ये पूरी तरह से पक जाएगा और अच्छी तरह से सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो बस तैयार है ये निमोना। आप गैस को बंद करें और इसे सर्व करें गर्मा गर्म फुलकों के साथ और चावल के साथ। रेसिपी पसंद आई हो और वीडियो भी अच्छा लगा हो, बरी की रेसिपी कैसे बनानी है, सब्ज़ी कैसे बनानी है अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।